हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइज आज तारीख हो चुकी है 4 जनवरी और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2021 को लेकर, आईपीएल के रिलीज रिटेन प्लेयर्स को लेकर, ट्रेड विंडो को लेकर, इसके साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही सीरीज को लेकर 8 काफी बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं, जो कि अगर आप लोग क्रिकेट के बड़े फैंस हैं या फिर आईपीएल के होने का काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो फिर आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, हमेशा की तरह मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप देखना बिल्कुल लास्ट तक। उसके साथ ही अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और आप उस नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, हमारी सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से। आरसीबी की साइड से डेल स्टेन ने अपने आप को आईपीएल के लिए अनअवेलेबल बता दिया था। ये न्यूज़ हमने आपको कल कवर करके दी थी कि स्टेन ने बोला है कि वो आईपीएल जिस टाइम पर होता है उस टाइम पर खेलना नहीं चाहते हैं, तो वो अपना नाम वापस लेते हैं, लेकिन जो बाकी टी20 लीग्स होती हैं उसमें वो खेलेंगे क्योंकि उनके शेड्यूल के हिसाब से वहां पर जाकर वो खेल सकते हैं। तो अब आरसीबी की टीम ने उनको थैंक यू बोला है उनकी सर्विसेज के लिए। मोस्ट प्रोबेबली डेल स्टेन का आरसीबी के साथ ये लास्ट साल था क्योंकि अगर वो अपना नाम वापस ना भी लेते तो भी वो रिलीज ही होने वाले थे। तो ऐसे में आरसीबी ने उनको थैंक यू बोला और स्टेन ने भी आरसीबी की टीम को थैंक यू बोला, उनके मैनेजमेंट को थैंक यू बोला है कि उन्होंने उनकी इस कंडीशन को समझा कि क्यों आखिर वो अपना नाम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीके से डेल स्टेन एक तरह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहीं पर खत्म होता है और मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को फ्यूचर में वो आरसीबी के साथ कभी भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आपको लगता है कि डेल स्टेन के बदले आरसीबी को रिप्लेसमेंट करनी चाहिए या फिर आपको लगता है कि डेल स्टेन के 2 करोड़ रुपए का आरसीबी को ऑक्शन में फायदा मिल सकता है। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है किंग्स 11 पंजाब के रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट को लेकर। हम आपको लगातार चैनल के ऊपर सारी टीमों के रिलीज प्लेयर्स को लेकर लगातार अपडेट देते रहते हैं और गाइज अब केएक्सआईपी की रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट हमारे सामने निकल कर आ चुकी है न्यूज सोर्सेज के हवाले से। सबसे ज्यादा नाम आप लोगों को इस लिस्ट में देखने को मिल रहे हैं, 10 बड़े प्लेयर्स को किंग्स 11 पंजाब की टीम रिलीज करते हुए नजर आ सकती है। सबसे पहले आपको लिस्ट के नाम बता देता हूं। सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है ग्लेन मैक्सवेल का, दूसरे नंबर पर शेल्डन कॉटरेल, तीसरे नंबर पर मुजीबुर रहमान, चौथे नंबर पर सरफराज खान, करुण नायर, ईशान पोरेल, इनके साथ ही हार्डस विजोयन और उनके साथ ही प्रभसिमरन सिंह, ये नाम बताए जा रहे हैं कि इनको पंजाब की टीम रिलीज करने वाली है। अब अगर इतने सारे प्लेयर्स को केएक्सआईपी की टीम रिलीज कर देती है तो फिर ऑब्वियसली ये बैलेंस पर्स में सबसे ज्यादा ऊपर निकल जाएंगे क्योंकि मैक्सवेल और कॉटरेल इन दोनों के ही प्राइस को अगर आप लोग मिला लो तो फिर ये करीब 19-20 करोड़ हो जाता है। तो ऐसे में पंजाब की टीम बहुत ही बड़ा बैलेंस पर्स लेकर इस बार जाते हुए नजर आ सकती है जिससे इनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा मिनी ऑक्शन में। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए इस लिस्ट में से आपके हिसाब से कौन से प्लेयर को रिटेन किया जाना चाहिए और कौन से प्लेयर को आप लोग रिलीज होते हुए देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर आ रही है आईपीएल 2021 ट्रेड विंडो को लेकर। आईपीएल की ट्रेड विंडो में 5 बड़े नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जिनको ट्रेड के लिए सामने किया गया है उनके रिस्पेक्टिव टीम के द्वारा। इनका क्या स्टैंड है, कौन सी टीम इनको परचेस कर रही है, कौन सी टीम में आपको ये ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर अगर आप लोग एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग ये वीडियो देखना चाहते हैं तो हम आज आपके लिए ट्रेड विंडो में कौन कौन से प्लेयर्स के नाम निकल कर आ रहे हैं इसके रिगार्डिंग वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हो या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में जो कि निकल कर आ रही है भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। तीसरे मुकाबले से पहले बहुत ही सारी खबरें निकल कर आ रही है। अगर आप लोग क्रिकेट फैन हैं तो फिर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रेक किए गए हैं भारतीय टीम के द्वारा। बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रोवर्सी तो चल रही है होटल को लेकर कि यहां पर जो बबल सिक्योरिटी थी उसको तोड़ा गया था भारतीय टीम के द्वारा, ऐसी न्यूज निकल कर आई थी जिसमें नाम निकल कर आया था रोहित शर्मा का, उनके साथ ही शुभमन गिल, नवदीप सैनी, ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ का। और गाइज उसके बाद एक अलग
कंट्रोवर्सी चल रही है बीफ कंजप्शन को लेकर, जिसके ऊपर हम कुछ ज्यादा स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तीसरी कंट्रोवर्सी निकल कर आई है हार्दिक पांड्या और विराट को लेकर। बताया जा रहा है कि इन्होंने बायोसिक्योरिटी बबल के रूल्स को फॉलो नहीं किया। अब ऑस्ट्रेलिया की साइड से लगातार ये स्टेटमेंट निकल कर आ रही है कि अगर भारतीय टीम को रूल्स के अंदर नहीं खेलना है तो फिर उनको वापस लौट जाना चाहिए। काफी ज्यादा क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं। बीसीसीआई का हालांकि मानना है कि उनके प्लेयर्स ने कोई भी प्रोटोकॉल को ब्रेक नहीं किया है, तो बीसीसीआई मोस्ट प्रोबेबली इस मुकाबले से पहले पहले सारी थिंग्स को सॉर्टेड करते हुए नजर आ जाएगी। लेकिन काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप लोग बताइए आपका क्या ओपिनियन है जो भी चीजें अभी हो रही है सीरीज के बीच में। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है डेल स्टेन की रिप्लेसमेंट को लेकर। स्टेन की रिप्लेसमेंट के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने ऑलरेडी अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। जो नाम निकल कर आ रहे हैं उसमें मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से प्लेयर्स के नाम शामिल हैं। तो सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है मिचेल स्टार्क का, दूसरे नंबर पर नाम निकल कर आता है मुस्तफिजुर रहमान का, तीसरे नंबर पर आते हैं काइल जेमिसन और चौथे नंबर पर नाम निकल कर आता है केन रिचर्डसन का। बताया जा रहा है कि इन चार प्लेयर्स पर आरसीबी की नजर है स्टेन के रिप्लेसमेंट के तौर पर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आपके हिसाब से डेल स्टेन की रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे आरसीबी की टीम में शामिल किया जाना चाहिए। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। एमआई की टीम के कोच महिला जयवर्धने ने करीब 2-3 हफ्ते पहले बताया था कि वो कायल जेमिसन को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं। और गाइज अब जेमिसन जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं उसको देखते हुए अगर आप लोग मुंबई इंडियंस के फैन हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है। 2 फाइफर ये ले चुके हैं, 2 बार ये 4 विकेट हॉल ले चुके हैं और ये इन्होंने किया है सिर्फ 6 टेस्ट मैचेस में। तो काफी कमाल का परफॉर्मेंस इनका रहा है और टेस्ट क्रिकेट में अगर ये इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर मोस्ट प्रोबेबली T20 फॉर्मेट में भी इनकी हाइट और जिस लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं काफी ज्यादा सुटेबल होगी। तो मुंबई इंडियंस हमेशा की तरह टैलेंट स्काउट जो उनका है, जो उनका डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट है, वो हमेशा बाकी टीमों से आगे नजर आ रहा है कि उन्होंने कायल जेमिसन के टैलेंट को बहुत पहले ही पहचान लिया और ऑक्शन में आपको इनके ऊपर बिडिंग करते हुए नजर आएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए कायल जेमिसन के आपको लगता है कि मुंबई इंडियंस की साइड से अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है क्रिस लिन। जब भी ट्रेड विंडो स्टार्ट होती है तो क्रिस लिन उस ट्रेड विंडो के टॉप पर रहते हैं, क्योंकि जिस भी टीम में जाते हैं या तो ये अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं या फिर खराब परफॉर्मेंस की वजह से वो टीम इनको अपनी टीम से बाहर करना चाहती है। और मुंबई इंडियंस की टीम में इनकी जगह बन नहीं पाई थी और मोस्ट प्रोबेबली एमआई की टीम इनको रिलीज करेगी। मुंबई इंडियंस ने क्रिस लिन को ट्रेड के लिए अब अवेलेबल कर दिया है, यानी कि जो भी टीम इनको खरीदना चाहती थी यानी कि आरसीबी और केकेआर, अब वो मुंबई इंडियंस से डायरेक्टली ट्रेड कर सकती है क्रिस लिन को। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम इनमें इंटरेस्ट दिखाती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोग क्रिस लिन को कौन सी टीम से खेलते हुए देखना चाहते हो। फिलहाल गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी खबर के बारे में, जो कि निकल कर आ रही है सुरेश रैना की तरफ से। हमने आपको बताया था कि सीएसके के मैनेजमेंट ने स्टेटमेंट दे दी थी कि रैना उनकी ही टीम से खेलते हुए नजर आएंगे, वो रैना को रिलीज नहीं कर रहे हैं। और अब सुरेश रैना ने स्टेटमेंट दी है कि उन्होंने आईपीएल 2020 से जो नाम वापस लिया था उसका उन्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्लेयर फील कर रहा है कि वो 100% नहीं है तो फिर उसको पूरा हक है कि वो फील्ड से दूर रह सकता है, वो वापस सकता है। ये कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई थी जब सीएसके के सीईओ एन श्रीनिवासन ने कहा था कि सक्सेस और पैसा सुरेश रैना के सर पर जा चुका है। तो अब रैना वापस आ चुके हैं सीएसके के साथ, सीएसके ने भी अच्छा जेस्चर दिखाया और अब रैना की साइड से भी सब कुछ सॉर्टेड नजर आ रहा है। तो ऐसे में सुरेश रैना आपको वाइस कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे सीएसके की एक बार फिर से। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आपके हिसाब से सुरेश रैना एक बार फिर से जैसा उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसको क्या वो दोहरा पाएंगे या फिर नहीं। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और उसके साथ ही चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।